तो ये रो रहा था क्योंकि इसको डर लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको इंजेक्शन ना लग जाए। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बन रहा है पापा का सरप्राइज। यस, कुछ कैट्स और बेबीज और भैया और मम्मी पापा। यस, इसमें कुछ बनाया है जो बाद में हम आपको दिखाएंगे। और मैं यहाँ पर कुछ कटिंग कर रही हूँ, मेरी जो क्राफ्ट है ना वो बहुत ज्यादा बेकार है, बट हाँ फीलिंग्स बहुत सारी हैं। तो यस, देखा मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है और मेरे पति भी बड़े अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। क्या हमारे पति अच्छे नहीं, मेरे पति के साथ गुड़गुड़ी आती है ना, अच्छे नहीं लगता है, मारता हूँ ऐसे। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें बलून बनाने का प्लान कर रहे थे, बट ये पता नहीं मैंने क्या कट किया है, तो हाँ कुछ अलग किया है। तो हम लोगों ने रेड और ब्लू का प्लान किया है, तो हम लोग या तो फ्लावर बना लेंगे जो बनेगा इससे अच्छा लगेगा। येलो नहीं है, ब्लू ही है बेटा, वो पीछे से ऐसे ये है ना, हाँ ऐसे। तो बस अब हम लोग वही कार्ड की तैयारी कर रहे हैं और जब कार्ड बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। नहीं सूखेगा बेटा, कुछ नहीं सूखेगा, नहीं तो चिपकेगा कैसे। हाय आराम, इधर देखो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूं निधि। सो आज का जो व्लॉग है वो बर्थडे व्लॉग है। हाँ, थंबनेल में आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो बस उसी के बारे में व्लॉग होने वाला है। और ये व्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि अब आरव बड़ा हो चुका है, तो उसका बेसिकली उसका और उसके पापा का ये मोमेंट है, बाकी तो सब लोग रहेंगे ही लेकिन मेनली वही है। तो मैंने और आरव ने 2-3 दिन से कुछ कुछ तैयारियाँ की थी जो मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊँगी क्या क्या तैयारी हमने की थी, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों को अपडेट भी किया था कि मेरी अभी 2 दिन पहले थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो अभी चल रहा है वो सब चीज़ें, अभी मैं बेटर हूँ, बट अभी कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, तो उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी मैं ठीक हूँ। और लेकिन हाँ, मुझे रेस्ट करना है, तो इसीलिए जो चीज़ें हमने जैसे प्लान की थी 100% वैसे नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जितना भी करेंगे वो बहुत मज़ेदार होगा। तो आप आज का व्लॉग पूरा एंड तक देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और मतलब ऐसा हर किसी के साथ होता ही है, जब वो न्यू पेरेंट होते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, उनके बर्थडे के लिए या कोई स्पेशल डे के लिए उनके लिए कुछ करते हैं, तो वो सारी मेमोरीज़ आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लोगों ने जिया होगा। तो वो मेमोरी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपका जब ऐसा था तो आपने ऐसा कोई मोमेंट जो इससे मिलता जुलता हो वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है बच्चों की क्यूटनेस। और मतलब बर्थडे तो स्पेशल होता ही है, बट इस टाइप की कुछ एक्टिविटी हो जाए हमारे साथ तो वो एक अलग इमोशन क्रिएट करता है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ी बहुत मेरी मेहनत भी दिखेगी, थोड़ी बहुत आरव की मेहनत दिखेगी, और बाकी सबकी भी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होगी, और ओवरऑल जो मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पापा। अभी तुम बुक तो अपने पास रखो। हेलो। अरे खोलो तो उसको। क्या लो? क्या लो? बर्थडे गाना तो गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हाथ में पकड़ो अपने पहले, फिर ऐसे देते हैं। आज क्या लिखा है इसमें? इसमें के लिए हैप्पी, मतलब हैप्पी
बन देती हूँ। आई लव यू टू माय मम्मी माय अरब भैया मतलब बेबी भैया। ये कार्ड बनाया है अरब ने, तो नीचे रखो तो मैं दिखाऊंगी। मैं बताती हूँ, यहाँ रखो ढंग से, इसके ऊपर रखो, इसी के ऊपर रखो ना तो समझ में आएगा अच्छे से। हाँ बता बेटा। इसमें लिखा है ये तो बैल है मैं हूँ पापा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अरब, बी फॉर मम्मी, तुमने ही बनाया ना ये द बेबी, और एम फॉर मम्मी, डी फॉर डैडी। यस A happy birthday to you, इधर लिखा है। हाँ, और ये क्या है कलरफुल सा जी, क्या लिखा है ये? ये आई लव यू टू पापा, लिखा और सामने दिल भी बना है। दिल इसने बनाया है खुद से, और सामने एक कलर भी किया है इसमें। हाँ सब में कलर कर रहा है, पर दिल में कलर में से निकल रहा है, उनमें निकल रहा है। और ये क्या नीचे क्या बनाया है कलरफुल सा जो है? ये क्या ये? तो कैप्स है, कैप्स। हाँ, बर्थडे कैप्स है। चार लोग हैं, चारों की बर्थडे कैप्स है। हाँ। और वो क्या है? क्या? उसके नीचे दो लोग कौन है? नीचे दो लोग? हाँ। मम्मी आया और पापा। दो लोग है ना? हाँ, आया और पापा। अच्छा। हाँ। हम सीक्रेट बात कर रहे हैं, मैंने तो एक अच्छा, हाँ, 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 सीक्रेट बात कर रहे हैं, ये वाला था राइट। पहले ये बनाने वाला था कि क्या बोलते पापा टीवी देख के उनकी आँख खराब होगी, मैं वो बनाऊंगा, फिर मैं गुस्सा होगी, तब इसने ये दो बना दिए। सीक्रेट बात करने वाला ये जो है। हाँ। और ये सब कुछ तुमने है? ये फार्मर है तो अब मम्मी और मैंने बनाया है। अब तो दंती तो बहुत लंबी थी, काट दी थोड़ी। फिर सॉन्ग तो गाओ एक और जो आपने प्रिपेयर किया था। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। ढंग से बैठो। ढंग से बैठो, क्या कर रहे हो यार, जाने दो। तुम याद आ रहे इधर आके गए। अरे उल्टा भी कुछ किया क्या तुमने? ऐसा सुंदर बनाया तुमने। कैसा लगा आपको हमारा क्रिएटिव? मेरे तो भी गोल पत्तियां नहीं बन रही थी, जैसे कटी वैसे काटती। बट हमने मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। दिखाओ अब, देखने तो दो उनको हेयर्स तो देखो। उल्टा, ये बच्चों के हेयर्स देखो, हेयर्स उल्टा रखोगे तब ठीक रहेगा। हाँ अब देखो हेयर्स में बहुत सुंदर है। ऐसे अब इसमें कोई वो नहीं किया हम लोगों ने, क्या बोलते उसको, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, नेचुरल जो आता है वही किया हमने। बेबी का सर ऊपर है, भी आपने ऐसे ना आई लव यू, ये सब इसने लिखा है सब कुछ। इसने हार्ट भी, इसने ये इसका आइडिया था हार्ट बनाने का, कि मैं दिल बना लूं। आने पापा के लिए। ओह माय गॉड, चलो बाय। पूरा बर्थडे खत्म नहीं हुआ है तो अभी बाकी बस हो गया बर्थडे, अभी बाकी है। अब क्या होगा? अभी बाकी है। अब क्या बाकी है? अभी तो बाकी है। रात हो गई 12 बज गए, सोना है ना, रात हो गई 12 बज गए। तो अभी मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था कि आरव को लेके सुला दे वो, क्योंकि आरव अगर जगह रहता है तो डेकोरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कुछ थोड़ा सा अलग सा डेकोरेशन करने की कोशिश की है। पेपा पिग वाले बलून्स थे और सारे बलून्स फूटते जा रहे थे यार। पेपा पिग बलून्स हमने अमेज़ॉन से लिए थे, उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब मम्मी के बर्थडे पर जो बलून्स लगाए थे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, वो काफ़ी दिन तक बने हुए थे, बट ये वाले तो बस फुलाते ही फूट जा रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल से गिने चुने बलून्स जो हैं वो बचे, वो भी हमने छोटे छोटे फुलाए सो दैट कि उसका मज़ा आ सके। तो पापा भी आरव देखता है, बट उसके
पापा के बर्थडे पे अपने पापा पे एक बलून भी लगाया है, स्माइली इमोजीज वाले बलून्स लगाए हैं। तो मैंने यही किया है, मेरे को अच्छा लग रहा था, क्यूट क्यूट लग रहा था। और उसमें बस एक बलून ऐसा है ब्लू कलर का जो भी वो उसमें मतलब दो डैडी पिग एंड पापा पिग बने हुए हैं, बलून दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये उससे रिलेट हो रहा है इवेंट से अब हमारे, तो ये मैंने सेंटर में लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने थॉटफुल होकर बेसिक सा डेकोरेशन किया है, बट उसमें मेरे थॉट्स बहुत सारे हैं। तो बताना आप लोग, आप लोग को डेकोरेशन कैसा लगा और मेरे थॉट्स कैसे लगे। पापा को खिलाओ। Happy birthday to you। तो यहाँ पर आरव थोड़ा सैड है क्योंकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एकदम अच्छा नहीं लगता है, वो शांत हो जाता है, थोड़ा चेयरफुल रहता है तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे पहले डॉक्टर के पास, उसको दिखाएंगे और उसके बाद जो भी डॉक्टर बताएंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे, हमने और भी थोड़ा कुछ काम किया एंड देन फिर हम लोग डिनर के लिए आए। एंड थैंकफुली आरव डिनर के टाइम तक थोड़ा सा हैप्पी हो गया था एंड उसने काफ़ी अच्छे से फिर इन्जॉय किया, थोड़ा मेडिसिन वगैरह हमने उसको दे दिया था। तो और क्या हुआ था उसको वो मैं अभी आपको बैठ करके फुर्सत से बताती हूँ। आज क्या है, इधर देख के, इधर thank you।
ओके सो गाइज ये है नेक्स्ट डे और अब आरव बेटर फील कर रहा है. आर यू फीलिंग बेटर? यस. तो इसके कानों में थोड़ा सा दर्द होने लगा था. कौन से कान में हो रहा था? इस कान में. हाँ राइट, इस वाले कान में हो रहा था. तो हुआ ये था कि इसको थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड था कुछ टाइम पहले. तो डॉक्टर ने बोला कि कफ एंड कोल्ड की वजह से कानों में इन्फेक्शन थोड़ा पहुंच जाता है, मतलब रेडनेस जैसा हो जाता है जिसकी वजह से दर्द करता है. तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉमनली ये होता ही है. तो उन्होंने जस्ट एक टॉर्च डाल के चेक किया था, है ना? तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एयर ड्रॉप दे दिया था और कुछ दवाई दे दी थी पीने के लिए और ड्रॉप दिए हैं. तो बस इसे 2-3 बार हमने दे दिया है तो अभी काफ़ी आराम है ना. अब आरव खुश है, टच वुड. तो ये क्या है कि उस दिन क्या आगे का तो मैं तब बहुत दर्द हो रहा था, तब मैं रोने लग गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सादा ना हूँ तो डॉक्टर मुझे पहले एडिक्शन लगा देंगे, फिर मैं जाऊँगा अपने काम करने पापा का बर्थडे का. तो वैसा नहीं हुआ था. अब आगे का आप मम्मी में बताइए, फिर वापस मैं बताऊँगा. तो ये रो रहा था क्योंकि इसको डर लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसको इंजेक्शन ना लग जाए. लेकिन डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने इसको कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, सिर्फ टॉर्च से टेस्ट किया और इसको थोड़ी सी मेडिसिन दी और इसके बाद ये एकदम गुड टू गो. हाँ खुश हो गया. फिर हैप्पी हैप्पी हमने डिनर किया था, है ना? अच्छा लगा था ये क्या. चलो ओके, तो यही था आज का व्लॉग. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया था. आरव का कार्ड आपको कैसा लगा? मेरी डेकोरेशन कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. बाय. एक बैड मैनर्स है यार. सॉरी बोलो बाय. बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ. चलो बाय.